लग रहा है। नहीं खाओ, एक वो खाओ, पूरा नहीं, 100 पीस खाया हुआ का वीडियो नहीं लेंगे, एक ही खाया हुआ लेंगे। कब से सुबह से इंतजार कर रही है ये। चलो अभी हम लोग का कुछ भी करें, कपड़ा चेंज होने वाला है। डोल्सी को डोल्सी हॉट चॉकलेट तो रहे, बच के आए तो भगवान कृपा से हम जो लोग रहता था और मैं कहा था keep you in my heart and my heart is where you are I still think बैठो और खाओ, काम धंधा कुछ है नहीं। हम लोग आए गिरेगा हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं देंगे। कौन बोला, तुम बोला लाने, ये अपने मन से लाया। ओए हीरो, तुम लोग आज मैचिंग मैचिंग है, मामी और तुम ऑरेंज ऑरेंज पहना है। हम लोग घूमने जाएंगे ना, ठंडा नहीं है, फ्रिज में रखना पड़ेगा। काम बहुत है बना रहे, तभी बोला बाबू खाना खाएंगे। क्या कर रहा है बंची का, तू सुत ले ना। एकदम सुत ली ताई दे काट ले बा बेटा तो। कितना सुंदर लगा था, कैसे कर रहा है बाबू, किस तरह से तो कौन तुम बनाया वो बजा दे, यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ। ओ इसके पापा का बर्थडे है ना, किस बर्थडे का क्या रे, तुमसे दे ले लो रोज का फोटो खींचे। अभी ले लेना, ये नहीं खाएगी बोल रही, छोड़ दो, रात को खाएगी। डोल्सी डाइट पे है, क्या करेगी, इसीलिए विराट नगर आई है, ये करेंगे वो करेंगे, बैठ के खीरा खा रही है। मूवी नहीं लग रहा, मूवी अच्छा मी भी नहीं लगाए थे, लग रहा है बाहर जाना नहीं है। हम लोग को जा रहे हैं आज पार्लर जा रहे, फिर मॉल जाएंगे, पार्लर मॉल भारत बटनी ट्रैक पेंट देखेगी तुम्हारा, उसके बाहर विराट नगर के बाहर जाएंगे, धरान जाएंगे, देखते हैं कब जाएंगे। डोल्सी आ जाओ, डोल्सी अभी जो उसको भूख लगा खा ली, तुम वहाँ बैठो, डोल्सी फुलसी मत करो, बन गया है ना, बनानी है तब झमेला, जिसको जब हमारे डोल्सी ना खा लेगी जब भूख लगेगा तो। मामी को तुम परेशान बहुत करती है। तो ये है अचार जो कि लाई है जोगबनी से, अभी मम्मी बनाएगी तो हम दिखाएंगे कैसे कैसे बनाई है अचार। तू बनेबे ना, हाँ डोल्सी के चक्कर में आया है नानी घर, डोल्सी खाली बैठी है, जाओ उठो भाई को खिला देखे आपते ना, हम दूसरे के प्लेट से चोरी कर लेते थे मासू, और जहाँ लाइन जाता था हम ऐसे ढक लेते थे कि मेरा कोई प्लेट से लेना, सोचो मासू मनो अचार नो विचार वाली मासू है ना, बोले मासू नो वाली अचार अचार को बेचती हूँ, जब फिर अचार सिर्फ खिचड़ी के साथ, दाल भात चोखा के साथ खिचड़ी बनाना बना दे, वो दिन तो बनी नहीं पाबे, घूम जी इतना पसंद चले, इतना टेस्टी पहनी नहीं है हाफ, ये जो गर्मी में हाफ पहनी नहीं है, हाँ ये भी बड़े थे करने के लिए नानी को, तुम किया कहाँ जाओगे तुम लोग, कौन क्या वो सोए थे, क्या करोगी जाके, देखो इतना जुड़वा है लग रहा है, जाओ अच्छे से जाओ, हेलमेट नहीं लगता यहाँ पे, अब से सुबह से इंतजार कर रही है ये 11 बजे से। मम्मी नहीं जाने दी हमको, बोली इतना धूप में, ठीक है तो की तो धूप तो जाते हैं, तो खाना भी नहीं खाई है, हुए खाई भाते, तुमको नहीं ले जाएगा रे, आ इधर, हम लोग ये गाड़ी में जाएंगे, चलो देखिए कैसे चलाती है स्कूटी, अच्छा से जाना, देखो आराम से तो
हम तैयार हो चुके हैं एंड अभी में, और अब पहले क्या होता था गाइस, अकेली होती थी कहीं आने जाने के लिए, किसी का इंतज़ार करना होता था। मेरी दोस्त थी वो भी बिजी रहती थी उसका छुट्टी होने के बाद, फिर हम लोग कहीं जाते थे। अब बहुत ईजी हो गया है लाइफ, अब जाने के लिए एकदम सही है। तभी हम जा रहे हैं पार्लर, देखो धूप अभी मेरे आँखों में आ रहा है बहुत, मतलब अभी धूप ढल रहा है, 5:30 होने को आ रहा है बट धूप अभी तक है। फिर भी हम लोग निकल जाएंगे रिक्शा से। हनु गया है रानी के साथ शॉप में, लेना है तो लो नहीं तो फिर छोड़ दो। नहीं हमको पैसा देने वाली भी है। मुझे कुछ खरीदना। अच्छा हम खरीद देंगे, चलो जाओ जाओ। हम तो देंगे, हमको ये पैसा दे रही है, देखो ये हमको पैसा दे रही है, पैसा नहीं दे रही है। ये अपना इसको कुछ खरीदना है उसके लिए पैसा दे रही है। नहीं 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 रखो ना, ले लेंगे जो खरीदना होगा। है लिए है पैसा, एक ही पैसा है, अलग अलग थोड़ी है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ड्रेस, ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है। चलो मित्रों अब हम लोग जा रहे हैं। हम तो कुछ नहीं भी हो रहा है तो पर्स रखते, क्योंकि मेरा आदत है वो खाली हाथ अच्छा नहीं लगता है, कुछ लटका नहीं। हाँ मोबाइल रखने के लोग निकल रहे हैं। अभी ना स्टॉल ले लेंगे छोटा छोटा, जिसमें दुपट्टा नहीं है ना वहाँ से स्टॉल सब रख लेंगे। जूलियट छटा दो तो क्या होगा, क्या स्टॉल सब काम आ जाएगा। अभी जाएंगे हम लोग पार्लर, उसके बाद कुछ लेना है। हाँ सोच रहे चले जाए, डॉल्सी वहीं रुकेगी फोन की थी रोज के घर में, तो ग्रेसी रोज के घर रुकने वाली है और हम लोग जाते हैं। हनु भी दुकान पे, पता नहीं तंग कर रहा होगा मम्मी को कि क्या कर रहा होगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना बाहर, नहीं फर्स्ट ही सेकेंड टाइम, सेकेंड थर्ड, थर्ड बार कैसे, क्योंकि अम्मी ने पहली बार। ओहो सही में हम तो भूल ही गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या कैसे होता है। हेयर भी कट करवाने का सोच रही, एकदम पुच्छड़ हो गया, कैरेटिन भी खत्म हो गया है। कैरेटिन तो अभी नहीं करवाएंगे, गर्मी में खराब हो जाता है। देखते हैं कुछ मन हुआ तो कटवा लेंगे, कुछ भी बनेगा ब्लॉग में। कुछ क्या खाएंगे, कुछ खाने का ही मन होगा। हमको तो कुछ झालदार स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, चटपटे फुचका टाइप का। फुचका तो ये लाई है, पर बाहर का खाने का मन कर रहा है। तो चलिए हम जो पार्लर में जा रहे थे, एंगेजमेंट वाला पार्लर है ना, एंगेजमेंट में ही हम लोग रेडी हुए थे, और इसके बारात में भी यही वही गई थी तैयार करने, जो कि हमको नहीं पसंद आया। बारात वाला लुक ठीक था, मतलब ठीक था, मतलब उतना वाव वाला नहीं था, उसे लास्ट ठीक ही था एंगेजमेंट वाला, बट कोई नहीं जाके कर दी, बढ़िया है। अभी देखते हैं, उसका पिक्चर्स वगैरह आया नहीं अभी तक शादी का, जब आएगा तो पता चलेगा। हाँ चलो, हाँ ये है ना इसके बगल में, जब भी आए बाइक से आए, चल के आए, नहीं तो रास्ता तो याद ही नहीं होता है। तो सबीना को भी मिस करे, देख रहे अपने दोस्त को मैसेज करेंगे, ब्लॉग देख के उसको पता चल ही गया होगा हम आ गए हैं। हम लोग आ रहे हैं सरी ब्यूटी टच भाई, सरिता बंद है, कॉल करना पड़ेगा। भैया तो फुचका है, भैया फुचका कैसे दे रहे हैं, 30 रुपया प्लेट, 50 रुपया एक एक प्लेट खिलाइए, अच्छा लगेगा तो फिर आप खाएंगे। हाँ एक ही प्लेट हमें तो बोले, एक प्लेट फिर पहली बार खा रहे, पता नहीं 3 दिन अरे वो बाहर उधर पहुँचे क्या अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं वेदर के वजह से, शायद ना वेदर के वजह से दिन भर हम लोग ऐसे ही ऐसे ऐसे गुजार दिए हैं, फ्रेश है ना, अंदर से नहीं हो रहा है। और हम आज गिर भी गए गाइस, बहुत जोरों की गिरे हैं, तो हमको लग रहा था एक पेन किलर खाएंगे तो कहीं दर्द कम हो जाए। और रास्ता भी कितना सुनसान, तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मॉल भाटभटे में, वहाँ हमको पता है कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको वहाँ से सैंडल मिला है, बहुत बार सैंडल जब भी जाते हैं चप्पल लेते हैं, इस बार देखते मिलता है कि नहीं।
अगले बार लेके गए थे कुछ ही दिनों में टूट गया था, कुछ ही दिनों में, कुछ दिन पहले तो टूट गया। तो अभी देखते हैं चप्पल सैंडल, प्राइस भी अच्छा खासा था, 1200-1300 के रेंज का था। देखते घूम के आया जाएगा, कि एसी भी नहीं, हल्लू भी नहीं है। हाँ वो पूरी घर जा रहे उसका, वो ठीक है नाइट स्टे करेगी। तो चलिए गाइस अभी कुछ का खाते हैं। हाँ बोल तो रही है अब, ठीक है रहो फिर। लोग देखना चाहते तुम कैसे फुसका खाती है। झाल बोला कैसा, मिर्ची वर्ची बोला कितना खा सकता है एक बार में? अच्छा हुआ तो दो मोबाइल दो, अजीब लग रहा है। खाओ एक को खाओ, पूरा नहीं, 100 पीस खाया हुआ का वीडियो नहीं लेंगे, एक ही खाया हुआ लेंगे। मेरा ये वीडियो नहीं बनाए खाते हुए का, अरे हम खुद ही खा लेंगे। ये खा के अच्छा लगा टेस्ट। चलो तो अब हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल मॉल, जहाँ पे इसका हम लोगों ने रिसेप्शन लुक रेडी किया था। वो वही चलो वही मिलने में आप लोग बना लेते हैं। हाँ हाँ बेस्ट है, चलो ये हॉरर हाउस जाओ जाएगी सो वहीं पर छोड़ देंगे हम लोग। हाँ चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं, चलते चलते ही चले जाएंगे, क्या होगा थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा और आप लोगों को भी दिखाएंगे फिर से एक बार वो मॉल। अगले बार टूट उतना कर नहीं पाए थे, पानी ठंडा पी लेंगे, ले लेंगे वहाँ से। यही वाले भवन में इन दोनों का रिसेप्शन हुआ था। उस दिन इतना हड़बड़ी ने किया, हड़बड़ी की अच्छा से ब्लॉग भी नहीं बना पाए। तो ये बाहर का लुक है, अंदर का तो मैंने दिखाया ही नहीं, अगर अभी तक नहीं देखे आप लोग को पिछले वाले ब्लॉग में चले जाइए देख लीजिए। और यहीं पे है सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर जो कि बहुत पुराना है, बहुत पुराना। और यहाँ पे आया हमारा मॉल, तभी आप लोगों को लेकर चलते हैं। अभी समझ आया है मन क्यों उदास है, शुभम जी का बर्थडे है ना, हम यहाँ पे है, वो बेचारा अकेले होगा, हम लोग अकेले जल्दी पूरा बोरिंग बोरिंग मैं हम बोला वो मिस कर रहे होंगे, हम तो यहाँ पे बिजी है तुम्हारे साथ। तो मेरा मन दुखी है कि बेचारा वो याद कर रहा होगा, बच्चा लोग भी है ना यहाँ पे, बर्थडे भी है। तो कोई नहीं, जब आएंगे तब बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा बिजी बिजी लग रहा है, ऑटो का पूरा लाइन लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ऑटो का लाइन लगा हुआ है। और ये सिग्नल हल्का हल्का, तो ये आ गया हमारा सॉरी सेंट्रल मॉल। कौन अच्छा ये वाले क्या? हाँ वो बंगाली बात की होगी, बंगाली। तो ये हो गया यहाँ पे काउंटर, फुचका का, समोसा का, चेंज होते रहता है ना। और अब हम लोग चलेंगे अंदर की ओर, अभी कौन सा हॉरर है ये दिखाएगी हम देखे पर गए नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना मतलब खलका का बाहर का एम्बुलेंस के इन सब चलो सबसे ऊपर चलो। तो ये देखिए कैसे पकड़ के हमको चल रही है, बंद है क्या मिनी शो? तो यहाँ पे और कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल है। और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, मतलब ऊपर नहीं है गाइस। तो हम लोग अभी ऊपर जाने वाले हैं फर्स्ट सेकंड फ्लोर में जहाँ पे है न्यू डेबिट, वहीं से हम लोग आईब्रोज वगैरह करवा लेंगे। वहाँ मैं जाके गप सुनिएगा, हमने बहुत फनी फनी बातें करी है। एंड होप आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे गाइस, ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो गाइस तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आप लोग वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए मैं लेके आती रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड गाइस भाभी जो है मेरी, भाभी मैं इसको नहीं बोलूँगी, सिर्फ
लाइक माई सिस्टर, हम दोनों का बॉन्डिंग भगवान करे ऐसा ही हो, और मैं चाहूँगी हर एक ननद और भाभी का रिश्ता ऐसा ही हो। मन जलन ईर्ष्या ये सब रखने से रिलेशन ही ख़राब होता है। अगर आप मतलब आप जैसा उसके साथ ट्रीट करोगे वो ऑटोमेटिकली वैसा ही ट्रीट करेंगी। तो कोई भी लड़की वैसी नहीं आती कि आके आपसे लड़े झगड़े आपसे मतलब जलन करे, वैसा कोई नहीं होता। आपका ही काम होता है कि आपके वो घर आई हैं आप उसको कैसा ट्रीट करते हो। तो ऑब्वियसली मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं है, इसके ही प्रति भी मेरे मन में किसी के प्रति कुछ भी नहीं होता है। मैं अपना 110% देना पसंद करती हूँ, बाकी सामने वाला दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। और आप लोग भी बताना गाइज आप लोगों को हमारा बॉन्डिंग कैसा लगता है, और कमेंट ज़रूर करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। होप आने वाले दिनों में ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के लेके आती रहूँगी। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग ऊपर चलते हैं, अभी बहुत ही फ़नी वाला चीज़ भी हम लोग देखने को मिलेगा, आप सभी को हम लोग दिखाएंगे। क्योंकि अभी गंगा का ख्वाहिश था कि हॉरर कुछ देखना है, इस मॉल में है, अभी आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा। और गाइस बने रहेगा ब्लॉग में, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चलो अभी हम लोग का कुछ भी करें कपड़ा चेंज होने वाला है, नहीं गाइस कपड़ा ही रहेगा बस, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा कि नहीं। लोग वेट कर रहे हैं फिर शामिल से है रस बताइए उसके मेरे रिसेप्शन में भी मेरा बुकिंग नहीं था, मैंने बोला नहीं था कि मैं यहीं से करवाऊँगी अपने, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम है। तो कैसे कैसे मैंने मेकअप किया, फिर मुझे मेकअप किया गया, उतना हड़बड़ी का लगेगा हम नहीं भी करवाते तो भी चलता, बहुत उस दिन हड़बड़ी था, लेट हो गया था ऐसे, इतना सारा लेट हो गया था। हाँ नहीं मेकअप का तो अच्छा, क्योंकि इसको और पहले बुलाया था 11 बजे बुलाया था, पर ये गई 2:30 बजे, हम ही लेके गए, लेट हो गया घर का फंक्शन वगैरह में, और वो 3 घंटा में अच्छे तैयारी थी, इसलिए थोड़ा सा रश हो गया, हड़बड़ी हो गया, पर ठीक है अब तो जो चीज़ हो गया हो गया। हाँ नहीं बना लो, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, करते थे अस्ति को बेउली हुआ हम लोग 3 महीना वही से क्या तब तो मेकअप बनवाते नहीं। हाँ तब मैं ड्रेस लाइद हेल्प कर दिन थे ते कुछ करते थे धीरे राम मेकअप भग थे तिमी मेरो के गाना है रे बेहुली भन्ने गीत छ नि, त बेहुली रेडी हो रही है। आइस कॉफी, आइस कैपुचिनो, हो ठीक है तुम आइस पिएगा, और क्या क्या है और खाने का क्या क्या है? सिंगल सॉर्ट खाने का क्या किचन आइटम है जो बंद हो गया, सिर्फ कॉफी है। बेवरेज ही आइटम है मतलब कॉफी अमेरिकन आइस अमेरिकन, रुको देखिए क्या है, कैपुचिनो, कैपुचिनो ही लो, आइस कैपुचिनो, आइस अमेरिकन और सिंगल सॉर्ट होगा क्या क्या वाव। ठीक है आप ये कर दो, एक आइस कैपुचिनो कर दो और आइस अमेरिकन डबल क्या होगा, ये आइस अमेरिकन सिंगल सेट में और कैफे लाते वर्जिन मोजिटो, हाँ यहाँ पे तो नहीं मिलता, हाँ मिलता है यहाँ पे देखा था मैंने, वर्जिन मोजिटो है यहाँ मोजिटो, अरे थोड़ा कॉफी पी लेते हैं।